हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांतारामस किचन। आज मैं बनाऊंगी मावा कुल्फी। मैं ये कुल्फी दो तरीके से बनाऊंगी, एक से मटका कुल्फी की शेप दूंगी, एक से सिंपल कुल्फी की तरह बनाऊंगी। तो ये कुल्फी बहुत इजीली तैयार हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे 10 से 12 मिनट कुल्फी को बनाने में लगते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी ये मटका कुल्फी एक बार ट्राई करें। तो मावा कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध। मैंने 700 ml दूध लिया है, खोया मैंने यहाँ पे 125 ग्राम खोया लिया है, 5 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए चीनी, और यहाँ पे लिया है 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर ना लें, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इस कुल्फी को बनाने के लिए वह है दूध, खोआ और चीनी। तो सबसे पहले मैंने एक गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। आप जो भी बर्तन लें वो थोड़ा सा मोटे तले वाला लें, ये याद रखें। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। मैं यहाँ पे फुल फैट दूध यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने अपना दूध इसमें डाल दिया है। मेरा दूध ऑलरेडी बॉयल्ड था, लेकिन मैं इसमें एक बॉयल और आने दूंगी। गैस का फ्लेम मैंने अभी नॉर्मल ही रखा है। देखिए दूध में उबाल आने लगा है। अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पे ही 5 मिनट तक पकने दूंगी। आप याद रखें कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही 5 मिनट तक पकाना है, जिससे कि हमारा जो दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और आप इसे इस तरह से कॉर्नर से चलाते रहें जिससे कि ये लगे ना, और इसे नीचे से भी चलाते रहें, बॉटम तक चलाएं, क्योंकि अगर आप इसे बॉटम तक नहीं मिलाएंगे तो जो दूध है हमारा जल जाएगा। और इसे इसके कॉर्नर से भी हटाते रहें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसे मैं 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही इसी तरह से पका लेती हूँ, जिससे कि ये जो दूध है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, मेरा दूध है जो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और काफ़ी थिक भी हो चुका है। इसकी हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मावा, जो मैंने मावा कद्दूकस किया हुआ है। आप चाहें तो हाथ से क्रम्बल करें मावा को। और उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। मैंने ये वाली चम्मच से 5 चम्मच चीनी यूज़ करी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि जो कुल्फी है वो बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मावा को इसमें, इसी तरह से इसे चलाती रहूंगी और 5 मिनट इसे अभी और पका लूंगी, जिससे कि जो हमारा मावा है वो दूध में अच्छे से मिल जाएगा, अच्छे से पक जाएगा और जो हमारा दूध है वो भी काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और जो हमारी कुल्फी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप मावा को इसमें मिलाते रहें और इसे इस मिक्सचर को उसी तरह से चलाते रहें, कॉर्नर्स को हटाते हुए और बॉटम तक इसे चलाते रहें। गैस का फ्लेम मैं इस पूरे प्रोसेस में मीडियम ही रखूंगी। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, जो हमारा मिक्सर वो काफ़ी अच्छे से ठीक हो गया है। ऑलमोस्ट 1/3 दूध जो है हमारा रिड्यूस हो चुका है, और इसे हमें इतना ही रिड्यूस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। हमारा जो मावा है उससे भी इसमें थिकनेस आती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये इतना काफ़ी है। अभी मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर। मैंने पहले भी बोला था कि इलायची पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना ना डालें, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कुल्फी में। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी कुल्फी बनती है, एकदम क्रीमी और बहुत ही रिच। तो ये हमारा हो गया है, मैं थोड़ी सी देर से और चलाऊंगी, जिससे कि जो इलायची है उसका खुशबू इसमें अच्छे से जाए। तो मैं इसे थोड़ी सी देर और पकने देती हूँ, 1 मिनट के करीब। ये भी हमारा तैयार हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो मैं अब गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और कुल्फी को सेट होने के लिए रखूंगी। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, अब मैं कुल्फी को सेट होने के लिए रखूंगी। तो देखिए मैंने इसको एकदम ठंडा कर लिया है। तो ये जो कुल्फी का मिक्स है ये एकदम ठंडा होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखना होता है। तो कुल्फी को मैं यहाँ पे 2 मटकों में और ये जो डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं उनमें सेट करूंगी। इसे हम इसमें पोर करेंगे। उतने मिक्स से हमारे इतने कुल्फी तैयार हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे 2 मटका कुल्फी बनाई है। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम डाल दूंगी, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी मेवा डाल सकते हैं, वरना इसे सिंपल भी रखें तो भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। कुल्फी को मैं एकदम सिंपल रख रही हूँ। जो हमारा कप है हम उसमें इस तरह से सिल्वर फॉइल पे लगाएंगे, इसे अच्छे से दबा दें आप, और उसके बाद में इस पर एक रबर बैंड चढ़ा देंगे
इस तरह से मैं इसी तरह से अपने सारे कप को पैक कर दूंगी और इसी तरह से अपने मटका को भी पैक कर दूंगी सिल्वर फॉइल लगा के, उस पर भी रबर बैंड लगा दूंगी। इसी तरह से आप सबको पैक कर दें, इनको पैक करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि कुल्फ़ी है उस पर जो आइस क्रिस्टल है वो ना आए। तो ऐसे आप पैक कर दें सबको। अब मैं इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी सेट होने के लिए। उसके बाद जब ये थोड़ी सी सेट हो जाएंगी तो ये जो कुल्फ़ी है उनमें मैं अपनी कुल्फ़ी स्टिक लगा दूंगी। अगर आपके पास में इस तरह से कुल्फ़ी स्टिक नहीं है तो आप रेगुलर आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये जो कुल्फ़ी स्टिक है वो सिर्फ कुल्फ़ी में लगाने वाली हूँ, मटका आइसक्रीम में मैं ये नहीं लगाऊंगी। तो इन्हें कुल्फ़ी स्टिक लगाने के बाद मैंने फिर से फ्रीज़र में रख दूंगी और इन्हें 8 घंटे तक जमने दूंगी। पूरे प्रोसेस के लिए आप इन्हें 8 से 10 घंटे फ्रीज़र में रखें जिससे अच्छे से सेट हो जाए, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो अब मैं इन्हें फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी कुल्फियों को फ्रीज़र में से निकाल लिया, मैंने उन्हें ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था, अभी ये अच्छे से सेट हो गई हैं। अब इसकी मैं रबर बैंड निकाल दूंगी और इसकी सिल्वर फॉइल को भी हटा देंगे हम। देखिए ये अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं इसको कप को जो है वो निकाल दूंगी इस तरह से। देखिए हमारी कुल्फी बन गई है। तो देखिए मैंने एक कुल्फी को इसमें रख लिया, मैं इस पर थोड़े से बादाम डाल दूंगी इस तरह से। मैं इसी तरह से अपनी बाकी की कुल्फियों को भी हटा लूंगी और अभी जो मटका कुल्फी है मैं उसे आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये भी हमारी सेट हो चुकी है बहुत अच्छे से और ये कुल्फी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से आप उसे या तो मटका कुल्फी बनाएं या फिर इसे कुल्फी की तरह जमाएं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो आप इस कुल्फी की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये कुल्फी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।